बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा मतलब फिल्म में? परफॉर्मेंसेस मनोज बाजपेयी और बाकी सबका, सब राजकुमार यादव का भी। फोर थैंक यू। ठीक है ठीक है। बढ़िया लगी भाई, बेहतरीन, बढ़िया लगी। क्या अच्छी लगी फिल्म की स्टोरी? अच्छी लगी भाई, क्या बताएं, कुछ भी नहीं था, बेकार है भाई। और पिक्चर के अंदर बिल्कुल बोरिंग पिक्चर है। अलीगढ़ के नाम पे इतना नाम बेकार किया पिक्चर ने। इसको जो है ना 5 में से 1 भी पॉइंट नहीं है, खाली फोकट बेकार पैसा गया भाई, बेकार पिक्चर लगी। कुछ नहीं, क्या वो तो वो है, उसके तो बताने का नहीं। राजकुमार राव वॉज गुड, मनोज बाजपेयी आफ्टर ऑल, या ऑफ कोर्स ही वॉज फैंटास्टिक। 3 आई बिलीव, या काइंड ऑफ, इट्स अ सीरियस मूवी, इट्स नो नॉट रियली, लाइक आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट द फिल्म, इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। सॉरी, या या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके, आउट ऑफ 5 अलीगढ़ वॉज अ वेरी गुड मूवी। मनोज बाजपेयी एंड राजकुमार बोट हैव डन द कैरेक्टर्स रियली वेल। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टेलिंग ऑफ अ रियल इंसिडेंट विच हैड हैपेंड विच कैन रिलेट टू। ओनली द फ्यू लो मोमेंट्स इन द सेकंड हाफ द मूवी वेंट अ बिट स्लो, अदरवाइज ओवरऑल द मूवी वॉज रियली वेल, नाइसली मेड। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड इट्स अ अवेकनिंग मूवी। थैंक यू। It was a very good combination wherein both of them are very good theatre artists and good, have done a lot of work in theatre also, and good actors also. So both Manoj and they have done the character really well. So while Rajkumar was playing a young reporter and Manoj was playing an old professor, he was playing a 64-year-old guy, and he did a very lot of justice to the character which is doing. Around 3-3.5. Yahan pe aa jao. Good. It was like a social message, and Manoj Ashpai had done superb job. Rajkumar is good, but Manoj, I forgot his name, like Manoj Bajpai is Manoj Bajpai. We can't compare like with the Rajkumar. Was little bit slow movie, but it's finally the end of the day. It's a social message, so we cannot compare with the like masses movie. Sorry. For me, 4.5. Okay. Bye. Story इतनी सही नहीं थी, मगर मनोज बाजपेयी इज द बेस्ट एंड बहुत अच्छी मूवी लगी। मनोज बाजपेयी इज एक्टिंग बहुत बेस्ट। उनकी ठीक थी। माई बेस्ट एक्टर इज मनोज बाजपेयी, इसके लिए देखने के लिए आया। मनोज बाजपेयी इज द बेस्ट। स्टोरी ठीक थी, मनोज बाजपेयी इज द बेस्ट। हाँ, 5 में से 5 मनोज बाजपेयी इज द बेस्ट, सुपर स्टार। अच्छी मूवी है, मतलब मासिस के लिए नहीं है, क्लास के लिए। मासिस को काफ़ी बोरिंग लगेगी, बट स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है, मतलब कि उनकी भी एक फीलिंग होती है, वो मतलब काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया डायरेक्टर ने, और स्पेशली मनोज बाजपेयी, मास्टरपीस। राजकुमार राव ऑल्सो इन सपोर्टिंग रोल, ही डिड अ ग्रेट जॉब, बट द मेन थिंग इज मनोज बाजपेयी। 4 या प्लेज। अच्छा, क्या लगा? टेलीकास्ट होगा ये। ओके, यस, रिव्यू देना है आपको, 1 मिनट प्लीज। देना है, टेलीकास्ट होना है, देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम, हाँ बोलिए सर। मुझे अभी जो मैं बताया वो इस हिसाब से अलीगढ़ मूवी भी के बहुत सुपर सार अच्छी सार की बनाई उसने उन्होंने। और डायरेक्शन के समय में बोल रहा हूँ कि मैं आज तक कोई भी मूवी में देखा है इतना जो गौर से उसने डायरेक्ट किया है, और छोटी छोटी चीज़ों पे जिस मसले से उसने बताया है वो इस हिसाब से बहुत सुपर काम बताया डायरेक्शन में। उसमें एक एक पॉइंट और एक एक कहाँ से क्यों आ रहा है, अगर आप शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है उस चीज़ में। मतलब डायरेक्शन में एकदम सुपर किया है। इसके थोड़ी इसके पीछे जो थीम भी है और जो स्टोरी जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज एकदम स्लाइटली लाइटली आपके माइंड को छुएगा। जब एक दो बार शांति से देखेंगे समझेंगे तो ही छुएगा, अदरवाइज
नहीं है माज मनोज वाजपेयी के लिए आप क्या बोल सकते हैं यार। उसने जो सीन्स में जो बैकग्राउंड में भी अगर बैठा है जो अभी मेन फिल्म जो शो चल रहा है उसके पीछे भी जो मेन सीन जो चल रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में भी अगर रहेगा तो भी आपका उसके ऊपर नज़र जाना ही है। उसका रीज़न है उसकी एक्टिंग। वो समय पे भी वो चुपचाप बैठा नहीं है तो वो कमाल मनोज भाई वाजपेयी की भी है और साथ साथ में डायरेक्टर की भी है कि डायरेक्टर ने भी वो पॉइंट पर ध्यान करके उससे करवाया है और इसने अच्छी तरह से वाजपेयी ने उसको निभाया किरदार को जो निभाया है ना अनबिलीवेबल फॉर एन ऑफ। नो ये आम पब्लिक की बात नहीं है आम पब्लिक समझने के नहीं है जो क्लासिकल लोगों का जिसको समझ में है दिमाग है वही समझेंगे। ये थीम जो हम लोग आज की तारीख में ये जो चीज़ भी बोलते हैं वल्गैरिटी की समझ में उसके पीछे का उद्देश्य और ये क्यों होता है वो कोई सब नहीं समझते हैं। इसकी वजह से ये फिल्म चलने की बात डिफरेंट ही है और मैसेज जो डिफरेंट ही है। हाँ ओके थैंक यू।